आलिया, कटरीना, दीपिका, कियारा। बॉलीवुड में इन एक्ट्रेस का जलवा तो आपने देख लिया, लेकिन अब बारी है पाकिस्तानी सीमा हैदर की। नोएडा के सचिन की पाकिस्तानी दुल्हनिया सीमा हैदर अब बॉलीवुड में जलवा बिखेरने को तैयार हैं। जानी जी ने ऑफर दी है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। सीमा हैदर को बॉलीवुड से एक नहीं दो दो फिल्में ऑफर हुई हैं। यानी अब तक सोशल मीडिया पर डांसिंग एक्टिंग करने वाली सीमा हैदर अब सुनहरे पर्दे पर भी अपनी किस्मत आजमाती नजर आने वाली। पाकिस्तान के कराची से हिंदुस्तान के नोएडा तक सफर तय करने वाली सीमा हैदर पर माया नगरी मुंबई मेहरबान नजर आ रही है। सीमा हैदर को फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने एक नहीं दो फिल्मों का ऑफर दिया है, जिनमें से एक फिल्म का नाम है अ टेलर मर्डर स्टोरी। सीमा हैदर को आपने ऑफर दिया है फिल्म का, और उससे आप क्या काम लेने वाले हैं, क्या काम उसको देने वाले हैं? अंडरकवर एजेंट फिल्म जो है ए टेलर मर्डर स्टोरी, जानी फायरफॉक्स की, उसके अंदर एक भूमिका है पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट की, जासूस की। तो हम चाह रहे हैं कि वो रोल करें, हमने बता भी दिया उनको कि आपका रोल क्या है। जानकारी के मुताबिक टेलर मर्डर स्टोरी के प्रोड्यूसर अमित जानी रिहर्सल के लिए सीमा को डायलॉग भी भेज चुके हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि टेलर मर्डर स्टोरी के प्रोड्यूसर ने जो डायलॉग सीमा हैदर को भेजे हैं, उसमें ज्ञानवापी परिसर को लेकर चल रहे विवाद पर पाकिस्तान में साजिश रची जा रही है। सीमा को इसी साजिश को डिटेक्टिव की लैंग्वेज में कोडवर्ड में बोलना है। जानकारी के मुताबिक फिल्म में रॉ एजेंट बनने जा रही सीमा हैदर आईबी ऑफिसर से कोडवर्ड में बातचीत करती नजर आएंगी। फिल्म में आईबी ऑफिसर के मोबाइल पर पाकिस्तान के कराची से कॉल आती है। कॉलर का नाम है बेबी, जिसमें आईबी ऑफिसर कॉल पिक करता है, कहता है कब है जश्न, तो रॉ एजेंट कहता है ईद मनाई जाएगी, बकराईद। इसके बाद आईबी ऑफिसर कोडवर्ड में कहता है कि बकरा कहां से लाने की तैयारी है, तो रॉ एजेंट कहती है सुना है काशी में फव्वारा बहुत खूबसूरत बना है वजू खाने में। आगे आईबी ऑफिसर कहता है ओ हम इस बार कुर्बानी नहीं होने देंगे, तो रॉ एजेंट कहता है इंशाल्लाह। इसके अलावा सीमा हैदर को लेकर अमित जानी एक बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी में भी हैं। पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर को आज की तारीख में शायद ही कोई ना जानता हो। हिंदुस्तानी सचिन के साथ उनकी लव स्टोरी इतनी फेमस हो चुकी है कि सभी इस कपल को जानने लगे हैं, सीमा के इस पार भी और सीमा के उस पार भी। दोनों की मोहब्बत के खूब चर्चे हैं। इसी क्रम में फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी एक और फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम है कराची टू नोएडा। जानकारी के मुताबिक अमित जानी अगले सप्ताह कराची टू नोएडा फिल्म का थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे। वहीं जब अमित जानी से सीमा हैदर को काम दिए जाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। सीमा भी जांच के दायरे में है, ऐसे में बिना क्लीन चिट के आपने उन्हें काम करने का ऑफर दिया है, उन पर जासूसी जैसे संगीन आरोप लगे हैं, तो आपने क्लीन चिट मिलने का इंतजार क्यों नहीं किया? देखिए जांच चल रही है तो हमें अपनी एजेंसीज पे, एटीएस पे, आईबी पे, सब पे भरोसा है। और अभी चूंकि जांच चल रही है और अरेस्ट करने के बाद एटीएस ने छोड़ा भी है, मुख्यमंत्री जी की भी पुलिस है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने छोड़ा है, कोर्ट ने, न्यायपालिका ने बाकायदा बेल दी है, इसीलिए हमने उनको ऑफर दिया है। अगर वो एटीएस की कस्टडी में थी तब हमने ऑफर नहीं दिया, जब कस्टडी से आ गई तब हमने उनको ऑफर दिया। हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, सीमा हैदर के डांस की चर्चाएं दोनों तरफ हैं। सीमा खुद को एक बेहतरीन डांसर मानती हैं और इस बारे में उन्होंने टाइम्स नाम नव भारत के कैमरे पर भी अपने मन की बातें बताई थी। तो ये बहुत तारीफ करते थे मेरी कि तुम बच्चों की माँ नहीं लगती, मतलब इस तरह की बहुत तारीफ, क्योंकि मैं टिकटॉक वगैरह बनाती थी, इनको दिखाती थी डांस वगैरह की वीडियोस, तो ये बहुत तारीफ करते थे मेरे। टाइम्स नाम नव भारत ने जब सीमा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया तब सीमा ने अपनी गायकी की कला का भी प्रदर्शन किया था। उन्होंने सचिन के प्यार में एक गाना भी गुनगुनाया था। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां।
सचिन सीमा के इश्क की कहानी के किस्से हर जुबां पर हैं। सीमा अपनी मोहब्बत के लिए बॉर्डर पार कर हिंदुस्तान आ गई। उन्होंने सरहद तक की परवाह नहीं की और अब वे हिंदुस्तान में ही बस जाना चाहती हैं। हालांकि सीमा हैदर से जब भी फिल्मों के काम को लेकर बात की जाती है तो वे कंडीशंस अप्लाई के साथ बात करती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं भारत सरकार उन्हें वापस पाकिस्तान डिपोर्ट ना कर ले, और इसका डर उनके एक इंटरव्यू में साफ नजर भी आया। आपको क्या महसूस हो रहा है? अच्छे लोग हैं, बस डर लग रहा है वापस ना जाऊं। पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन की मुलाकात का जरिया बना पबजी गेम, वही गेम जिसके चस्के को लेकर अक्सर खूब विवाद चलता है। लेकिन इसी पबजी की वजह से सीमा हैदर और सचिन की मुलाकात हुई। सीमा ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा गांव के निवासी सचिन के बीच पबजी गेम खेलते हुए दोस्ती हुई और इसके बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई। एक साल के बाद 2021 में लगा कि मैं इनको प्यार करती हूँ, ये भी मुझे करते थे, ऐसा नहीं सिर्फ मैं, ये भी मुझे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि हम सादातर रहते हैं। मुहर्रम के महीने थे तब, जब हमारी वीडियो कॉल होती थी तो मैं बिल्कुल सादा रहती थी, मुहर्रम में हम लोग सादा रहते हैं। ये बहुत तारीफ करते थे मेरी कि तुम बच्चों की माँ नहीं लगती, मतलब इस तरह की बहुत तारीफ, क्योंकि मैं टिकटॉक वगैरह बनाती थी, इनको दिखाती थी डांस वगैरह की वीडियोस, तो ये बहुत तारीफ करते थे मेरे। ये शुरू से आपकी शादी के बारे में जानते थे? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा कोई भी झूठ मैंने इनसे नहीं छुपाया। सोशल मीडिया पर एक तबका सीमा पाकिस्तानी को सचिन की दीवानी बता रहा है। दरअसल सीमा सचिन के बीच 2019 से लगातार बातचीत हो रही थी और इसके बाद सचिन और सीमा के बीच मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। जानकारी के अनुसार सीमा ने कई बार सचिन से मिलने की कोशिश की। मार्च 2023 में वो कराची से निकली और नेपाल के पास शाहजहां पहुंची, फिर वहां से काठमांडू पहुंची। सचिन भी ग्रेटर नोएडा से निकलकर काठमांडू के लिए रवाना हो गया। दोनों 7 दिनों तक काठमांडू के एक होटल में रुके रहे। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान चली गई और सचिन ग्रेटर नोएडा लौट आया। लेकिन सचिन के प्यार में सीमा इस कदर गिरफ्त में थी कि एक बार फिर सीमा नेपाल पहुंच गई और फिर वहां से 13 मई को गौतम बुद्ध नगर के रघुपुरा आ गई, जहां सचिन रहता था। फिर 4 जुलाई को पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। सीमा हैदर को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के दावे भी किए गए और एक दावा ये भी था कि सीमा हैदर ने ये फेमस होने और पैसा कमाने के लिए किया। सीमा हैदर का वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है। इस वीडियो में सीमा हैदर लोगों से एक अपील करती हुई भी नजर आ रही है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और सब्सक्राइब कर लो प्लीज, ताकि मेरे पति की थोड़ी हेल्प हो सके, क्योंकि हम लोग घर पे ही बैठे हैं, कोई काम करने वाला फिलहाल है नहीं और कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। सारे आ रहे हैं, न्यूज़ वाले सब आ रहे हैं, होके चले जा रहे हैं, सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें हमारी थोड़ी सी। आएगा वो पति है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते जग जाहिर हैं। बंटवारे के वक्त ही दोनों देशों के बीच एक खाई पैदा हो गई थी और वक्त के साथ वो खाई और भी गहरी होती चली गई, क्योंकि पाकिस्तान ने हर बार भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। इसी के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से दोनों देशों के बीच नागरिकों का आवागमन इतना आसान नहीं है और वीजा अनुमति भी आसानी से नहीं मिलती। उधर एक बार अगर कोई विदेशी नागरिक नेपाल में प्रवेश कर जाता है तो फिर भारत में प्रवेश करने के लिए उसे किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में सीमा ने नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया और यूपी के ग्रेटर नोएडा में आकर रहने लगी। सीमा नेपाल से ग्रेटर नोएडा आकर रह रही थी। इसके बाद सीमा और उसके प्रेमी ने शादी का फैसला किया और वे इसके लिए वकील के पास पहुंचे। वकील ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी और फिर यूपी पुलिस ने सीमा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक सीमा करीब महीने से रघुपुरा में अपने प्रेमी के साथ रह रही थी और इससे पहले दोनों ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली थी। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने हिंदू धर्म अपना लिया है और वो जेल के अंदर भी रहकर पूजा करती थी। मैंने जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूँ, आपने साड़ी पहनी हुई है, आपने ये लाल कलर का पटका पहना हुआ है, इस पर राधे राधे लिखा हुआ है। हाँ, आज आए थे कोई, कौन आए थे? नोएडा से आई थी मैम, तो उन्होंने मुझे पहनाया और मेरा स्वागत करा कि आप हमारे धर्म में आई हो। बहुत मुझे वो भी दी, कोई दी जाती है यहाँ पे बहू को दी जाती है, तो वो भी मुझे दी, पैसे वगैरह दिए उन्होंने। बहुत अच्छे लोग थे वो, 2 लेडीज थी, आंटी थी, एक अंकल थे, बहुत अच्छे थे वो। आप पूजा करती हैं? हाँ आप करती हूँ, मैं वहाँ भी 2 दिन पूजा करी। पहली पूजा पे वकील मेरे पास आया, दूसरी पूजा पे मुझे बेल मिल गई। अच्छा। मेरे मन से मैं वहाँ जाके रोई, क्योंकि अकेली बैठी होती थी वहाँ, एक मंदिर बना रखा है। हाँ। तो बहुत मुझे इनके लिए बहुत बेचैनी होती, मैं बहुत रोई वहाँ पे। एक लड़की थी रश्मि,
वो मुझे वहाँ पे आरती करना मतलब नई नई थी तो मुझे नहीं आती, वो मुझे सिखा रही थी कि आरती ऐसे ऐसे करनी है। तो उनके साथ मैंने पूजा करी, प्रसाद बांटा हमने जो उन्होंने व्रत रखा था कल जिस दिन यहाँ आई ना एक दिन पहले, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फील करा। और मैं यही समझती हूँ शायद मैंने मन से करी, शायद इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। यूपी पुलिस से अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैसमाबाद की निवासी है। गुलाम के साथ उसकी शादी 2014 में हुई थी। उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। सबसे बड़ी बेटी 7 साल की है। बताया ये भी गया है कि 2019 में गुलाम काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया था, जिसके बाद सीमा मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताने लगी। वो पबजी खेलती थी। पबजी खेलते वक्त 2019 में सीमा के बाद सोशल मीडिया के जरिए गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले सचिन से हुई। इसके बाद बातचीत बढ़ी, फिर दोनों इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लगे और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि सीमा सारी सीमाएं तोड़कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान सचिन से मिलने आ गई। सीमा हैदर की सुर्खियों में आने के बाद उनके पति भी सामने आ गए। सीमा के पाकिस्तानी पति का नाम गुलाम हैदर है। सीमा के पति ने सऊदी अरब से वीडियो जारी कर मोदी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हैदर ने कहा है कि बीवी और बच्चे वापस पाकिस्तान भेज दिए जाए। भारतीय मीडिया को हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हीं के माध्यम से बीवी और बच्चों का पता चल सका है। हालांकि गुलाम ने ये भी आरोप लगाया है कि युवक ने पबजी गेम खेलते समय उसकी बीवी को बहला फुसला कर भारत बुलाया है। पाकिस्तानी पति के आरोपों पर सीमा हैदर ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि वह हैदर गुलाम के साथ खुश नहीं थी क्योंकि हैदर उसके साथ मारपीट करता था। पहले तो जब मैं घर छोड़ रही हूँ तब भी उन्होंने कभी मुझे संपर्क करने की कोशिश न करी। इनको अभी पता पड़े जब मैं यहाँ अभी मीडिया में चल रही हूँ ना तभी वो मुंह फाड़ के कह रहे हैं, वरना वो किसी को कुछ कह नहीं रहे थे। वो तो वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आपको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। उन्होंने सचिन पर भी आरोप लगाया है। वो झूठ के मुझे पता है पाकिस्तान, मैंने कहा था कि यही कहते होंगे कि इसलिए मुझे बहला फुसला के बेवकूफ बना के या मेरे दिमाग में ऐसी बातें बिठा के पबजी में पागल करके मुझे बुलाया है। वहाँ पे ऐसी न्यूज चलती होगी क्योंकि इनको ही गलत करना उनका काम होगा या पहेदर का भी यही काम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। उनका व्यवहार आपको लेकर कैसा था? मेरे पति का बहुत बुरा था, बहुत गाली गलौज करते थे। इस बात के ये भी गवाह है। इनको मैं रोती थी फिर कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, ये बहुत गाली गलौज से बात करते थे। ये हैदर को भी पता है और हैदर भी देखते होंगे न्यूज। उनको भी कह रही हूँ जब तब ऐसे थे तो अब अच्छे बनने की कोई जरूरत नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गुलाम हैदर और सीमा की लव मैरिज हुई थी। दरअसल सीमा हैदर पाकिस्तान में सिंध प्रांत के खैरपुर की रहने वाली थी। साल 2014 में सीमा के मोबाइल पर एक रॉन्ग कॉल आया। ये कॉल था गुलाम हैदर का और इस रॉन्ग कॉल के बाद दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदली, दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन सीमा के घर वालों को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसीलिए 2014 में ही सीमा घर से भागकर गुलाम के पास चली गई। साल 2019 में सीमा का पति हैदर पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया और सीमा बच्चों के साथ कराची में रहने लगी। गुलाम हर महीने उसे पैसे भिजवा देता था। उन्हीं पैसों से सीमा ने कराची में एक घर खरीदा लेकिन वो उस घर में शिफ्ट नहीं हुई बल्कि किराए के ही घर में रह रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। ऐसे में जब उसने सीमा को टीवी पर देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए।